Sir, we have all the type of international brands are there, like DK, Oxford, Penguin, Britannica, Discovery Channel. तो इन बुक्स पे आपको वी आर गोइंग टू प्रोवाइड 40-70% डिस्काउंट. ये कंपनी इसलिए कर रही है, दैट्स व्हाई कि वी लाइक टू रेज द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. जो बच्चों का जो इंटरेस्ट बुक्स में कम होता जा रहा है, कमरी जाती है कि उस इंटरेस्ट को हम क्रिएट कर सके, दोबारा से रीडिंग में बच्चे आ सके. तो दैट्स व्हाई वी आर गिविंग ह्यूज डिस्काउंट ऑन द ब्रांड्स. सर, मैंने अभी बताया, ऑब्जेक्टिव मेन यही है कि बच्चों का जो रीडिंग हैबिट जो जाती है, दूर जा रही है बच्चों से, उसको दोबारा से रेज करने की कोशिश कर रहे हैं. जो उम्मीद थी कि यहाँ पे अच्छा रिस्पांस हमें मिलेगा, तो वैसा हो रहा है. बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं बुक्स के अंदर और मुझे यहाँ के काफ़ी अच्छा फील हो रहा है. और इससे पहले भी जिन डिस्ट्रिक्ट में गया हूँ वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा नेचर है, सभी लोगों ने कोऑपरेटिव है. सर, इंटरनेशनल, सर एक मैंने आपको बताया सॉर्ट ऑफ इंटरनेशनल पब्लिकेशन है, पब्लिकेशन से बिलोंग करता है नेशन ज्योग्राफी, जो चैनल पार्टनर है. तो उसके थ्रू हम ट्रेड करते हैं बुक्स को, इंटरनेशनल सॉर्ट ऑफ बुक्स मंगाते हैं जिनको हम बुक फेयर में यूज़ करते हैं डिस्काउंट्स के लिए. सर, अभी यहाँ पे 2 डेज का है, अगर हो सका तो हम इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, वो चेयरमैन साहब से बात करके होगा. सर, जी सर, सर बिल्कुल सर, हम कर रहे हैं और आगे भी हम करते रहेंगे. सर, दिस टाइम वी कंडक्ट दी बुक फेयर एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम इन कुपवाड़ा एनी बुक फेयर इज हियर. बुक फेयर मीन्स टू मेक द स्टूडेंट माइंड फेयर, विच गिव देम नॉलेज. अलॉन्ग विद द नॉलेज दे कम अक्रॉस डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स दे हैव नेवर सीन. दे आर गोइंग विद द nowadays with the videos and all that, but not in touch with the books, and books are the best friend of the life. If you want to give any present to anyone, only books are there. And this time students, they come across along with the books of their course book, how many others books, from there they can get the knowledge, to imparting knowledge along with the books written in the foreign countries, because most of the publication, and they are coming with the real photographs of them, some autobiographies there, some daily lives books are there, from the all the faculties of that books are available at here, and we try to develop the reading habit which they are missing, because nowadays you see the e-media, whatever is coming, but they forget. Bookish knowledge is very effective, is different place, because that is leading us to a different zone. But our basic is what? Reading the books. Definitely, with your cooperation, with your encouragement, we will be go in future to conduct more programs like this. And I hope Allah will bless to us. They must come, enjoy, at least purchase one book for their birthday gift. And this book is not, this book festival is not limited to Alexandra only. Any student, any... Yes, here as it there, all students, parents, not of the Alexandra, of Kupwara city, they are most invited. We send the invitation to the schools also to come and visit the school. About my academic qualification, I study in class 10. आज हमारे स्कूल में बुक एग्जीबिशन हो रहा है, जो कि हमारे कश्मीर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे कि हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं ये मीडिया की तरफ एडिक्ट हो गए हैं. इसकी वजह से जो ये बुक एग्जीबिशन वाले इन लोगों ने यहाँ पे ये एक बुक एग्जीबिशन रखा है, ताकि जो कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं उनकी रीडिंग हैबिट बढ़े. और आज हम सारे स्टूडेंट्स इस बुक एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बुक्स भी खरीदी हैं. और यहाँ पे मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बुक्स हैं, और जिनकी वजह से हम बहुत अच्छी नॉलेज गेन कर सकते हैं. साइंस के रिलेटेड है, मैथ के रिलेटेड है, ह्यूमंस की मेंटल एक्टिविटीज़, इन सब के रिलेटेड है. मुझे लगता है कि यहाँ पे हर एक बुक्स खरीद चाहिए और रीडिंग हैबिट बढ़ानी चाहिए. माय नेम इज फरकान सजाद. यहाँ पे जो हम आए हैं, ये एक्चुअल में इसका इनिशिएटिव इतना ही है कि जो बुक्स हैबिट हमारे दिन हमारी सोसाइटी में दिन ब दिन कम होती जा रही है, लोग सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा एडिक्ट हो रहे हैं और गलत गलत एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो रहे हैं, तो हमें उस चीज़ को किसी हद तक कम करना है. तो यहाँ पे आपको बुक्स की प्राइजेस भी कम मिल रही है, तो ताकि बुक रीडिंग को हम प्रमोट कर सकें, तो सम एक्सटेंड हम बुक रीडिंग को ज़्यादा इंकरेज कर सकें, लोग ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ें. उसकी वजह से क्या होगा कि हमारी सोसाइटी बहुत अच्छी हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी, और जो भी हमारे गलत काम होंगे, अगर बुक्स पढ़ेगा, बुक हैबिट पुराने टाइम में बहुत ज़्यादा अच्छी थी. पहले टाइम में तो लोग ज़्यादा क्रिमिनल केसेस नहीं आते थे, लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते थे, टू द पॉइंट रहते थे, हेल्दी रहते थे. लेकिन आज के टाइम पे हर कोई, हर दूसरा तीसरा, हर एक्चुअली हर इंसान जो है
वो सोशल मीडिया पे है, वो अपने वहाँ पे टाइम ज़ाया कर रहे हैं, ना कुछ वो हासिल होता है ना कुछ। अलबत्त अगर हम बुक्स पढ़ेंगे तो हमें नॉलेज भी गेन होगी, हमारे हेल्थ पे भी कोई उतना गंदा असर नहीं पड़ेगा और हमारी मॉरल भी हम बहुत ज़्यादा बूस्ट होंगे। आई विजिटेड टू दिस बुक फेयर, इट्स रियली वेरी गुड एज वी नो दैट द स्टूडेंट्स आर गेटिंग अवे फ्रॉम द रीडिंग बुक्स बिकॉज द यूज ऑफ सोशल मीडिया इज इंक्रीजिंग डे बाई डे एंड इट्स गुड टू रीड बुक्स। यू नो बुक्स में उतना रिटेंशन पावर नहीं होता है बट स्टिल हमारे जो मतलब इंडियंस हैं दे हैड लॉस्ट इट दैट जो बुक्स के साथ उनका कनेक्शन था वो भूल गए एंड आई थिंक सो इट्स रियली वेरी गुड। एंड यहाँ पर जो हमारे पास बुक्स मिल रही है बहुत अच्छे रेट पे मिल रही है एंड हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। सो आई थिंक सो बुक्स आर द गुड फ्रेंड्स ऑफ अ स्टूडेंट एज वेल एज कॉमन पीपल। व्हाट विल बी योर मैसेज टू अदर स्टूडेंट्स? दैट वी शुड रीड मच मोर बुक्स सो दैट वी विल गेट सो मेनी नॉलेज। सोशल मीडिया इज नॉट एवरी थिंग विच वी आर यूजिंग डे टू डे लाइफ। इट्स इफ यू सी सोशल मीडिया दैट वी आर सीइंग द कंटेंट्स विच आर नॉट गुड फॉर अस एंड फॉर स्टूडेंट्स ऑल्सो। सो आई थिंक सो सोशल मीडिया इज नॉट टुडे एवरीथिंग, देर आर सो मेनी डिमेरिट्स एंड अ स्टूडेंट शुड जस्ट कीप दिस थिंग इन देयर माइंड्स दैट रीडिंग बुक्स इज really very important other than using social media. The student should be get aware about the merits of reading books. You know, this is really very good about their thinking power. They will also get that memory power. They will as this is really very important for that. So like these fairs are conducted today. They are going to libraries, going to reading rooms is also an open. This is really very good. Visiting only book fairs is not important. If a student has that reading book craze, they can also visit libraries. They can go also there where the books are sold at good prices. And if they had that much craze to read books, there are so many opportunities. If we see, ये बहुत अच्छी कोशिश है जो Alexander Public School ने जो organize यहाँ पे किया है. They have invited us also. जैसे आपने ही बताया कि जो ये सोशल मीडिया या मोबाइल जो कल्चर है इसने हमें इन किताबों से दूर किया, तो ये एक अच्छी पहल है। तो वी शुड ऑर्गेनाइज सच इवेंट्स इन आवर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। क्या सर सरकार की जानिब से भी इस तरह के इनिशिएटिव शुरू किए जाएंगे? हाँ, ज़रूर होना चाहिए। यस सर, क्या कुछ अपील रहेगी पेरेंट्स के लिए, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए, तमाम इदारों के लिए? हमारे जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है ये बुक फेयर्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए, क्योंकि हमने भी यहाँ पे देखे बड़े अच्छे बुक्स है, डाइवर्स नेचर के बुक्स है, पर्सनलिटी डेवलपमेंट के बुक्स है, तो इससे बच्चे को अच्छा एक्सपोजर मिल जाता है। जो वो बुकिश नॉलेज क्लास में लेता है उससे हट के थोड़ा इसमें डिफरेंट है, जैसे डिटेल्ड में है। वो मैंने एक वो बुक देखी यहाँ पे हिस्ट्री पे कल्चर पे, तो अच्छा इनिशिएटिव है ये। धन्यवाद।